लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंड कुरान जो है ना वांगजी के पास खाना लेके जाता है, जहाँ पे वांगजी को वो धमकी देता है कि वो विंग की कंपनी को फिर से बर्बाद कर देगा, नामो निशान मिटा देगा करके। इसलिए जो ना हमारा वांगजी खाना खा लेता है, और विंग भी कोशिश करता है कि वो लैंड वांगजी को कॉल करे, बट वो विंग हिम्मत नहीं कर पाता और ना ही वो कॉल करता है। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेली की तरह हमारा वांगजी रेडी होकर हमारे जिंगी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। जिंगी से अच्छे से बात करता है और वो जिंगी को स्कूल छोड़ने के लिए आ जाता है। जहाँ पे जिंगी कार से बाहर निकलता है, तभी जो है ना सामने से वांगजी को कार आती हुई दिखती, जहाँ पे वो विंग की कार थी, जहाँ पे विंग जिंगी को जो है ना आयन को जो है ना छोड़ता है, आयन के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग को इग्नोर करते हुए अपनी कार को चलाते हुए वहाँ से चला जाता है और जिंगी से जाने के लिए कह देता है, और वांगजी वहाँ से चला जाता है। और विंग शौक था कि वो वहाँ से क्यों चला गया, वो तो हमेशा विंग का वेट करता है ना। विंग शौक था क्योंकि हर बार जो है ना वांगजी वहाँ पे खड़ा रहते हुए विंग का वेट करता था, बट आज ऐसा हुआ अचानक से, तो वांगजी चला गया और विंग थोड़ा शौक था, बट कोई नहीं, विंग कुछ कहता नहीं। और विंग सोचता है कि सच में उसे क्या हो गया है, ऐसे जो है ना विंग सोचता है। और हमारा वांगजी वहाँ से निकलने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद, अपनी कार को स्टॉप करता है और वांगजी अपने चेस्ट पे 2-3 बार हिट करते हुए कहता है, तुम क्यों उसे देख के धड़कते हो, क्यों, तुम्हें धड़कना नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो पहले से ही टूट चुकी हो, फिर भी तुम उसे देख के क्यों धड़कते हो। नहीं, मैं इस फीलिंग को और ज़्यादा नहीं सह सकता, बिल्कुल भी नहीं सह सकता, मुझे इस फीलिंग के साथ नहीं जीना है, बिल्कुल भी नहीं जीना है। मैं उसे देखता हूँ बट उसे छू नहीं सकता, उसे महसूस करना चाहता हूँ पर उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और अब जीने की उम्मीद भी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऐसे जो है ना हमारा वांगजी सोचता है और अपनी कार को ड्राइव करता है, और वो भी स्पीड में, जहाँ पे वांगजी का माइंड जो था ना पूरी तरह से ब्लैंक था, सिर्फ उसके माइंड में जो है ना हमारा विंग ही घूम रहा था पूरी तरह से, विंग 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 यही उसके दिमाग में चल रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारा वांगजी जो कार फुल ड्राइव करता है, और हमें कुछ टाइम के बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में आके काम कर रहा था, और तभी जो है ना विंग की सेक्रेटरी को कॉल आता है, जहाँ पे विंग की सेक्रेटरी कॉल उठाते हुए, हेलो, हाँ क्या हुआ, तुमने आज अचानक से कॉल क्यों किया, जहाँ पे सामने से आवाज़ आती है, क्या मिस्टर वी है क्या वहाँ पे, तो वो कहते हैं हाँ, पर क्या हुआ है, तो वो कहते हैं प्लीज़ मिस्टर वी को फ़ोन दीजिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सेक्रेटरी जो है ना वी को फ़ोन देती है, वी से कहते हैं सर आपसे जो है ना मिस्टर लैंड के सेक्रेटरी बात करना चाहते, तो जो है ना विंग कहता है ओके, और विंग ले लेता है, और उसके बाद जो है ना कहता है हेलो, जहाँ पे वो कहते हैं क्या सर प्लीज़ आप आ सकते हो यहाँ पे, तो विंग कहते हैं कहाँ पे, क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा वरीड क्यों लग रही है, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों लग रही है, जहाँ पे वो कहते सर प्लीज़ आप हॉस्पिटल में आ सकते हो प्लीज़ सर, तो विंग कहते क्या हुआ है, तो सामने से वो कहता है कि मिस्टर लैंड हॉस्पिटल में नहीं करके, जहाँ पे तो विंग तो पूरी तरह से शॉक था, क्या मिस्टर लैंड उन्हें क्या हुआ है, तो वो कहते कार एक्सीडेंट, ऐसे कहते, जहाँ पे विंग तो पूरा शॉक हो जाता है, और विंग शॉक के कारण जो ना मैं चेयर पे ही बैठ जाता है फिर से। जिसके बाद जो है ना वो कहते प्लीज़ सर प्लीज़ आप हॉस्पिटल में आ जाइए, और विंग को वो एड्रेस सेंड कर देता है, मैंने जो है ना सेक्रेटरी को एड्रेस सेंड करते, जहाँ पे विंग उस एड्रेस को देखने के बाद जो ना वो निकल जाता है हॉस्पिटल में। जहाँ पे विंग हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो है ना वो विंग हॉस्पिटल में एंटर करता है, और जब वांगजी को VIP रूम के पास वो देखने के लिए जाता है ना, तो वहाँ पे सेक्रेटरी खड़ा था और जो था ना लैंड कुरान खड़े थे, तो विंग धीरे से आता है, आने के बाद जो ना विंग भी थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि ये अचानक से हुआ था ना इसके कारण, तो जो है ना सेक्रेटरी विंग के पास आते और विंग को ग्रीट करते और विंग को कहते थैंक यू सो मच आप आए इसलिए, तो विंग कहते क्या वो ठीक है, क्या हुआ है उसे, तो जो है ना लैंड कुरान कहता है कि अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसे यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो विंग कहता है ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो लैंड कुरान कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ, तो विंग उनकी ओर देखता है, तो वो कहते हैं ये मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे उसकी बात समझ आ जानी चाहिए थी, अगर मुझे उसकी बात को समझना चाहिए था, मैं ही गलत था, उसे हर चीज़ के लिए फोर्स करना स्टार्ट कर दिया, इसी के कारण ये हुआ, तो विंग कहता है क्या क्या मतलब है अंकल सर, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो जो है ना लैंड कुरान एक टूटी सी स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें तो पता है ना विंग कि मेरा नेफ्यू तुम्हें पसंद करता है, तो विंग चुप रहता है, तो लैंड कुरान कहता है
मैंने उसे मना किया कि वो तुमसे दूर रहे, तुम्हारे पास ना आए। उसे मैंने ये भी कहा कि अगर वो तुम्हारे पास गया ना तो मैं तुम्हारी जो एक लोती तुम्हारी एक कंपनी है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद जो तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं रहेगा। क्या तुम उसे उस हालत में देखना चाहोगे? वो बातें कही मैंने उससे, जिसके कारण उसने खुद को मारने की कोशिश की। वो खुद जीना नहीं चाहता, वो इतने हफ्तों से कैसे जी रहा है पता नहीं। मैं तो यहाँ पे था ही नहीं जब मैं यहाँ पे आया। जब उसका उसने खुद को मारने की कोशिश की तब मैंने उसे देखा, कितनी ख़राब हालत थी। आज से पहले मैंने अपने नेफी को वैसे नहीं देखा। पहले वो शांत रहता था, वो अकेले रहता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अभी जब उस दिन देखा ना, सच में मैं सोच भी नहीं सकता था मैं अपने नेफी को कभी इस हालत में देख पाऊँगा करके, कभी भी नहीं। और आज ये हुआ, वो लगता है खुद की जीने की उम्मीद छोड़ चुका है। सब मेरी वजह से हो रहा है विंग, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। प्लीज़ विंग, मेरे नेफी को बचा लो। प्लीज़ विंग, मेरे नेफी को बचा लो। मुझे माफ़ कर देना मैंने जो कुछ भी उस टाइम पे तुमसे कहा था, बट प्लीज़ आज मैं तुमसे कह रहा हूँ विंग, प्लीज़ मेरे नेफी को बचा लो। वो अकेला है जिसके साथ, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा विंग? प्लीज़ विंग, प्लीज़। और लैंड कुरियन ये सब कहते हुए जो ना रोना स्टार्ट कर देता है, और रोते हुए जो है ना वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद जो वो है ना हमारा विंग, वो लैंड कुरियन की ओर देखता है, वो कुछ कहता नहीं है। और ये जस्ट जो ना उस VIP रूम में एंटर करता है, जहाँ पे एंटर करने के बाद जो ना विंग लानवन जी के बॉडी पे जो मशीन लगी हुई थी उसे वो नज़र आती है। और विंग लानवन जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवन जी अभी शांति से सो रहा था। और विंग ये सब देखने के बाद जो है विंग को भी थोड़ा बुरा लगता है लालवांग जी के लिए। वो विंग भी खुद देख पा रहा था इतने दिनों से, जब लालवांग जी उसे देखने के लिए आता था, उन्हें विंग को भी पता था कि लालवांग जी उसे फॉलो कर रहा है करके, विंग जानता था, बट विंग कुछ कहता नहीं था। विंग अभी लालवांग जी को इस कंडीशन में देखता है ना, तो विंग को जो है ना दर्द महसूस होता है पूरी तरह से। विंग लालवांग जी के पास आता है, उसे देखता है, जहाँ पे लालवांग जी का फेस पूरी तरह से पेल था, पूरी तरह से ही, और जो है ना वो एक डीप स्लीप में था। वो उसकी बॉडी कुछ भी रिएक्ट भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे। और विंग वांग जी की बॉडी पे कुछ पट्टीज लगी हुई थी, जो उसे छोटी मोटी खरोचे उसके सर पे जो लगा हुआ था, वो सारी चीज़ें हमारा विंग देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और विंग समझ नहीं पा रहा था उसे ये दर्द क्यों हो रहा है करके। विंग को हर्ट महसूस होता है, और वैसे ही लालवांग जी की ओर देख रहा था, कुछ कहता ही नहीं, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी जो है ना कुछ टाइम के बाद बाहर से आवाज़ आ रही रहती है कि जो है ना वहाँ पे जिंगी आया रहता है। जिंगी कह रहा था मुझे डैड से मिलना है, डैड को क्या हुआ है, डैड को क्या हुआ है, अंकल अंकल डैड को क्या हुआ है, ऐसी आवाज़ आ रही रहती है। तो जो है ना हमारा विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना वो जिंगी को देखता है, क्योंकि विंग को वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी ना, इसलिए जो है विंग बाहर आया था। वो जीरू को देखता है, तो जीरू को देखने के बाद वो ना विंग अपने आँखों से आंसू पोछता है। और जीरू जब विंग को वहाँ पे देखता है तो वो कहता है अंकल डैड को क्या हुआ है, डैड को क्या हुआ है अंकल। तो विंग उसकी वजह देख रहा है और एक छोटी सी फेक स्माइल कर दे रहा, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, वो तुमसे बाद में मिलेंगे, अभी तुम जाओ, अभी तुम स्कूल से आए हो ना, तुम थक गए होगे ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो कहता है मुझे डैड से मिलना, मुझे डैड से मिलना, प्लीज़ मुझे डैड से मिलना। जहाँ पे विंग कहता है जिंगी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो पता है तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। जिंगी कहते हैं प्लीज़ वी अंकल, प्लीज़ मेरे डैड को मुझसे मिला दीजिए, मुझे डैड से मिलना है, प्लीज़ अब ऐसा मत कहिए। मुझे लग रहा है कि मेरे डैड के साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं नहीं चाहता फिर से अपने डैड को खोना, फिर से नहीं चाहता मैं अपने डैड को खोना, ऐसे जो है ना हमारा जिंगी कहता है। तो हमारा भी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो ठीक हो जाएंगे ना, यानी वो जब तुमसे बात करना चाहेंगे ना मैं तब जो है ना तुम्हें बुला लूँगा, तब तक तुम जो है ना घर में जाके रेस्ट करो, ठीक है। तो जिंग कहता है प्लीज़ वी अंकल मुझे डैड से मिलना है। तो विंग कहता है ठीक है तुम मिलना चाहते हो ना तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊँगा, बट उसके बाद तुम जो है ना घर चले जाओगे, ठीक है। तो जिंग कहता है हाँ मैं घर चला जाऊँगा, पक्का प्रॉमिस, ऐसे कहता है। जहाँ पे लंकुरन कहते विंग, तो विंग कहता है मैं संभाल लूँगा अंकल, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर लेके आ जाता है जिंगी को। जिंगी जब अंदर एंटर करता है ना, वो अपने डैड को जो बेड पे लेटा हुआ पाता है, उनके साइड में कुछ मशीन चल रही है, और विंग से कहता है विंग अंकल डैड को क्या हुआ है,
डैड को क्या हुआ है, उनके अराउंड इतनी ज़्यादा मशीनें क्यों हुए, वो ऐसे सोए हुए क्यों हुए? तो पिंक कहता है कुछ नहीं, वो रेस्ट कर रहे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हुई ना। तो पिंक सोचिंग की था, वो कहता है बट ऐसा क्यों, वो तो कल रात ही मेरे साथ थे, बट अभी इनको क्या हुआ है? डैड डैड देखो मैं आ गया, डैड डैड बोलिए ना, उठिए ना डैड। तो विंक कहता है जिंकी उसे रेस्ट करने दो, उन्हें रेस्ट करने दो बेटा, तुमने देख लिया है ना। तो जिंक कहता बट वो उठ क्यों नहीं रहे? तो विंक कहता है अभी वो गहरी नींद में है इसके कारण, जब इंसान गहरी नींद में रहता है ना तो अपने के उठते नहीं है कोई लोग, समझ गए? जब तुम भी कभी कभी गहरी नींद में रहते हो, जो तुम्हारे डैड तुम्हें उठाते होंगे, तब तुम कैसे नाटक करते होंगे उठने के लिए, वैसा ही है। अब तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, वो जल्दी ही उठ जाएंगे, जब जल्दी उठेंगे ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास उन्हें लेके आ जाऊँगा, ठीक है? और अभी तुम घर जाओ, घर जाके जो है ना रेस्ट करो, ठीक है? तो जिंग कहता बट वी अंकल। तो विंग कहता मैंने कहा ना जिंगी, तुमने कहा था ना तुम मेरी बात मानोगे, मैं अगर तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलाऊँगा। तो जिंग कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, बट आप पक्का लाओगे ना डैड को? तो विंग कहता ऑफकोर्स पक्का लाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जिंगी वहाँ से चला जाता है और विंग बाहर आ जाता है लैंडकुरन के पास, जहाँ पे लैंडकुरन विंग के पैरों के पास बैठ जाते हैं। और विंग शौक था, विंग से कहते प्लीज़ विंग मेरे नेफ्यू को कैसे भी करके ठीक कर दो, प्लीज़ विंग मैं अभी मेरे नेफ्यू को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो एक लौता इंसान है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, और अगर वो ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा, प्लीज़ विंग प्लीज़। तो विंग लैंडकुरन की ओर देखता है और लैंडकुरन को ज़मीन से उठाता है और कहते मिस्टर लैंड आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंडकुरन कहते विंग प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं नहीं चाहता हूँ अपने नेफ्यू को खोना, वो कैसे भी ज़िंदगी जिए मुझसे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं ही था गलत जो मैं अपने नेफ्यू को समझ नहीं पाया, उसकी फीलिंग के बारे में मैं सोच नहीं पाया, उसने कहा था कि मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ, घर के खुद के बारे में, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए था, वैसे कहता है। इसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है मैं उसे पहले की तरह कर दूंगा, यानी जो है ना आप जैसा चाहते हो मैं सब कुछ वैसा करूंगा उसके लिए, उसे ठीक करूंगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लैंडकुरन कहते हैं विंग प्लीज़, तो विंग मान जाता है। जिसके बाद जो है ना हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है, पूरी तरह से रात के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है ना हमारे लालवांग जी की उंगलियाँ हिल रही थी, तो जो है ना लालवांग जी धीरे धीरे से जो है ना अपनी आँखों को ओपन करता है, ओपन करने के बाद जो है ना उसे जो ना अपने हाथ में कुछ किसी का हाथ महसूस होता है, तो वांग जी धीरे से खोलते हुए उधर देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे जो विंग जो है ना ऐसे ही सो रहा है करके। तो वांग जी पहले शॉक हो जाता है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि विंग यहाँ पे होगा करके इसलिए, और वांग जी खुद को जो है ना हॉस्पिटल में पाता है, तो वांग जी याद करता है क्या हुआ था, तो वांग जी को याद आता है कि कैसे वो फास्टली कार ड्राइव कर रहा था और अचानक से जो है ना एक छोटी बच्ची आ गई थी जिसे बचाने के लिए जो है ना लैंडवांग जी को यू टर्न लेना पड़ा, तो यू टर्न लेने के चक्कर में उधर से जो गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों में से एक ट्रक ने उसे कैसे उसे उड़ा दिया है ना, ठोस मार दी। तो वांग जी को वो सब याद आता है और वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग तो अभी भी सो रहा था, क्योंकि वांग जी भी जब वांग जी को अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ ना उसके बाद जो ना वांग जी ने जो ना उंगलियां हिलाना बंद कर दिया था, वो सिर्फ विंग को देख रहा था, विंग कैसे सो रहा है करके पूरी तरह से। तभी जो ना उस रूम में नर्स आती है, नर्स आने के बाद जो ना वांग जी का ध्यान जाता है नर्स की ओर, जहाँ पे नर्स वांग जी को होश में देखती है तो जल्दी से जो है ना इमरजेंसी प्रेस बटन दबा देती है जिससे डॉक्टर आ सके करके। तभी नर्स जो है ना विंग के पास आती है और विंग को भी उठा देती है, जहाँ पे विंग उठ जाता है, उठने के बाद वो लालवांग जी को देखता है, जहाँ पे लालवांग जी खुद हमारे विंग को ही देख रहा था घूर घूर के। तो विंग उसे देखता है, जहाँ पे कहता है लालवांग तुम होश में आ गए, अब तुम ठीक हो ना? तो हमारा लालवांग जी हमें सिर हिलाता है, जहाँ पे विंग कहता है थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, ऐसे कहता है मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, ऐसे कहता है। तभी लालवांग जी कहते हैं विंग तुम यहाँ पे कैसे, विंग तुम यहाँ पे कैसे? तो विंग लालवांग जी की ओर देखता है और कहता है मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है तुम्हें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, अब तुम देख रहे हो ना मैं ठीक हूँ। तो विंग लालवांग जी की ओर देखता है, तो लालवांग जी कहता है जा सकते हो विंग तुम यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है बट क्यों? तो लालवांग जी कहता है प्लीज़ चले जाओ विंग यहाँ से। तो हमारा जो
लैंडमार्क जी ऐसे कहता है तो विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है बट क्यों, तो पंग जी कहता है प्लीज़ जाओ यहाँ से, ऐसे कहता है। और जो है ना कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आ जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर लैंडमार्क जी को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं और विंग बाहर आ जाता है। विंग विंग को तो ये उम्मीद नहीं थी कि लैंडमार्क जी उसे जाने के लिए कहेगा करके, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जो है ना विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना तब तक जो है ना लैंड क्यूरियन और जो है ना क्या कहते हैं उनको पंग जी का जो, तो वो लोग जो ना विंग को बाहर देखते हैं, लैंड क्यूरियन और लैंडमार्क जी का जो सेक्रेटरी था ना वो बाहर देखते हैं। जहाँ पे लैंड क्यूरियन कहते हैं विंग विंग क्या उसे होश आ गए सच में, तो विंग कहते हैं हाँ अंकल। तो लैंड क्यूरियन तुम यहाँ पे क्या करो, तो विंग कहते हैं डॉक्टर उन्हें चेक करे गए। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और लैंड क्यूरियन की ओर देखते हुए कहते हैं वो अभी बेहतर है, अब ठीक है वो, पर सिर्फ थोड़े उनको पैरों में चोट लगी है ना, तो प्लास्टर खुलने में टाइम लगेगा, तब तक उनको बेड रेस्ट लेना होगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लैंड क्यूरियन ओके कह देता है, जिसके बाद जो है ना लैंड क्यूरियन अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे पंग जी अपने अंकल को और देखता है और अंकल से कहता है जिंगी कहाँ है, तो लैंड क्यूरियन कहते हैं वो घर पे है सो गया है। तो पंग जी कहता है ठीक है मुझे डिस्चार्ज कब मिलने वाले अंकल, मैं जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। जहाँ पे लैंड क्यूरियन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें डिस्चार्ज होने की, तुम यहीं पर रहो हॉस्पिटल में रेस्ट करो। जहाँ पे पंग जी कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर रह के करूँगा अभी क्या अंकल, मैं घर जाना चाहता हूँ। लैंड क्यूरियन कहते वांग जी तुम्हारे तुम्हारे चोट ज़्यादा गहरी है, तो तुम्हें डिस्चार्ज इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। तो हमारा वांग जी कहता है नहीं अंकल मुझे घर जाना होगा, मुझे बिजनेस को भी तो संभालना है और जिंदगी को भी संभालना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो लैंड क्यूरियन कहते वांग जी इतना भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं अंकल मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जहाँ पे लैंड क्यूरियन कहते वांग जी तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम मेरे नेफ्यू हो और तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो वांग जी सिर्फ एक छोटी सी स्माइल करता है। जहाँ पे लैंड क्यूरियन कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ ना, सब मेरी गलती है ना। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है। जहाँ पे लैंड क्यूरियन कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे खुद के बारे में सोचना नहीं चाहिए था, मैंने खुद के बारे में सोचते हुए तुम्हें बिजनेस करने के लिए कहा, आयन को संभालने के लिए कहा, उसके बाद विंग से दूर जाने के लिए कहा, यानी सब कुछ हर टाइम मेरे ही खुद के फायदे देखे, बट मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा, इसी की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। बट वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अपने अंकल को प्लीज़ माफ़ कर दो वांग जी प्लीज़। और लैंड क्यूरियन जो है वांग जी का हाथ पकड़ता है और माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंड क्यूरियन कहते हैं तुम जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो तुम जी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ तुम ऐसे कभी करना मत, मैं नहीं चाहता तुम्हारे बिना जीना, तुम अकेले इंसान हो जिसके लिए मैं जी रहा हूँ अब तक, और तुम क्या चाहते हो शीशान की तरफ तुम भी चले जाओ और मैं अकेला रहूँ इस दुनिया में, मैं नहीं चाहता वांग जी। तुम जो है ना जैसी ज़िंदगी चाहते हो वैसे जी सकते हो, तुम चाहो तो विंग के साथ रह सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मैं लोगों के बारे में अभी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा और जिंदगी के बारे में और किसी के बारे में नहीं। तो हमारा वांग जी अंकल की ओर देखते हुए अंकल आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं अंकल आपने भी कुछ सोच समझ के ही सारे डिसीजन लिए होंगे, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे लैंड क्यूरियन कहते विंग वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तो वांग जी कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और लैंड क्यूरियन को ऐसे कहते हैं आपको माफ़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है ना लैंड क्यूरियन बताते हैं कि विंग भी यहाँ पे कब से है करके, उन्होंने कॉल करके बुलाया करके, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिलेशन में, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, ऐसे कहा है। जहाँ पे वांग जी भी समझ जाता है। जहाँ पे लैंड क्यूरियन बाहर आते, बाहर आने के बाद विंग को इशारा करते हैं अंदर जाने के लिए, जिसके बाद जो ना विंग अंदर आता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और हमारा विंग कहता है कैसा फील हो रहा है तुम्हें, सब कुछ ठीक है ना, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग कहता है अच्छी बात है, ऐसे कहता है। और तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो वांग जी कहता है वो अचानक से सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो बीच जो है ना वांग जी को थोड़ा सर में दर्द होता है, तो विंग शांत हो जाता है और विंग कहता है क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे बताओ तो क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या कहीं पे। तो जो है ना वांग जी सिर्फ कहता है और विंग कहता है डॉक्टर को बुलाओ। तो वांग जी कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग सिर्फ कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग का फ़ोन बजता है। जहाँ पे विंग फ़ोन को उठाता है, उठाने के बाद जो है विंग कहता है हाँ आयुन क्या हुआ है। तो आयुन कहता है डैड आप कहाँ हो, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है।
जहाँ पे भींग कहते हैं बेबी आज नैनी के साथ सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो वो जो है ना हमारा आयुन कहता है डैड प्लीज़ आप आ जाइए ना, तो भींग कहता है बेबी आज आज के लिए अपने डैड की बात मानोगे, कल मैं फिर पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा ठीक है। तो जो है ना आयुन कहता है ठीक है डैड आप सच में मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड करने वाले हो ना, तो भींग कहता है ऑफकोर्स माई लिटल वन ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना उसके बाद जो फोन कट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है ना हमारे वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी से विंग की ओर देख रहा था खाली आइज से कुछ भी नहीं, जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि तुम्हारा बेटा जिंगी भी आया था तुमसे मिलने के लिए, तो वांग जी कहता है और विंग कहता है वो भी थोड़ा उदास लग रहा था, मैंने उसे कैसे भी समझा के उसे भेज दिया है ऐसे कहता है, जहाँ पे हमारे वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था और कुछ नहीं, और विंग और वांग जी दोनों को दोनों एक दूसरे को देखते देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जो है ना विंग और वांग जी ऐसे ही सो जाते हैं, विंग वांग जी को दवाइयों के कारण नींद आ जाती है और विंग उसे देखते हुए ही थोड़ा सा सैड होते हुए सो जाता है। तो हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें जो है ना विंग अपने घर में आ चुका है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग घर आने के बाद जो ना वो आयन के पास आता है, आयन को जो नैनी ने पहले से रेडी कर दिया था, जहाँ पे विंग कहता है कि चलो आज हम वांग जी अंकल से मिलने के लिए चलते करके, जिसके बाद जो है ना आयन को विंग जल्दी से लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग जाते टाइम जो ना जिंगी को भी उसके मेंशन से पिकअप करता है, जिंगी भी आता है और जिंगी कहता है क्या हम सच में डैड से मिलने जाने वाले हैं, तो विंग हाँ कहता है, जिसके बाद जो ना वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में आकर वीआईपी रूम में एंटर करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर लोग जो थे ना हमारे वांग जी को चेक कर रहे थे, अभी वांग जी जो ना होश में नहीं आया था इसके कारण, तो विंग आता है, विंग वहाँ पे बैठ जाता है अपने बच्चों को लेके, जहाँ पे डॉक्टर कुछ टाइम की बात कहते उन्हें जो है ना होश नहीं आया, यानी जो रात को जो थोड़ी टाइम के लिए होश आया था तब ने उन लोगों ने जो नींद की दवा दी थी, जिसके कारण जो वांग जी रिलैक्स होकर सो सके करके, तो इसलिए जो ना अभी तक उसे होश नहीं आया था, तो डॉक्टर चेक कर रहे थे, डॉक्टर कहते थोड़ी टाइम के बाद फिर से होश आ जाएगा, उसे कहते वहाँ से चल जाते, जहाँ पे जिंगी अपने डैड के पास जाता है, डैड का हाथ पकड़ते हुए डैड 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 आप उठिए ना ऐसे कहता है, जहाँ पे हमारा विंग कहता है जिंगी वो उठ जाएंगे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड फिर तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। तो जिंगी डैड के पैरों की ओर देखते हैं, जहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ था, तो विंग कहता है अंकल डैड के पैरों में ये क्या लगा है, तो विंग कहता है ये प्लास्टर है, तो जिंग कहता है ऐसा क्यों है यहाँ पे, तो विंग कहता है ऐसे ही उनको चोट लगी है ना, तो चोट को ठीक करने के लिए वो लगाया गया है, तो जिंग कहता ओ, तो विंग कहते मैं तुम्हें एक आइडिया दूँ, तो जो है ना जिंग क्या, तो विंग जो है ना अपने बैग से जो ना कुछ स्केच पेन निकालता है, जो विंग की एक पर्सनल बैग थी ना जहाँ पे वो पेंट्स वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें रखता था ना वो निकालता है, और जो है ना वो लोग हमारे लानवा जी के बेड के पास आ जाते हैं, और लानवा जी के पैरों से जो है ना वो जो चद्दर रखी थी ना उसे निकालते हैं, उसके बाद जो है ना वो विंग कहता है हम इस प्लास्टर पे कुछ ड्रॉ करें ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना वो बच्चे कहता है ओके ऐसे कहता है बट डैड बुरा तो नहीं मानेगी ना, तो विंग कहता है नहीं ऐसे कहता है, और जो है ना जिंगी शिजोई और विंग तीनों जो है ना लानवांग जी के पैरों पे जो प्लास्टर लगा होता है ना एक लेफ्ट वाले पैर पे, तो वहाँ जो है ना वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पूरी तरह से उस प्लास्टर को भर देते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारे वांग जी को भी होश आता है, जब वांग जी को होश आता है ना तो वांग जी को जो है ना बच्चों की आवाज़ आती है धीरे धीरे से, मैं ऐसे करता हूँ, तो विंग कह रहा था ओहो कितना प्यारा है ये, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है विंग ऐसे कह रहा था, और लानवांग जी देखता है कि जो तीनों लोग जो थे ना वांग जी के पैरों के पास जो ना कुछ करे करके, बट वांग जी थोड़े जो ना अच्छे से देखता है ना, तो वो देखता है कि विंग और आयुन और जिंगी जो है ना लानवांग जी के प्लास्टर पे कुछ डिज़ाइन बना रहे करके, तो वांग जी ऐसे देखते हुए क्या क्या कर रहे हो ऐसे कहता है, तो हम तीनों जन जो है ना लानवा जी की ओर देखते और तीनों जन शॉक हो जाते हैं, उनको लगता है कि लानवा जी अब से उन्हें कुछ कहेगा करके, जहाँ पे जिंगी कहता है डैड डैड आप उठ गए, तो हमारा वांग जी जो था ना जो जिंगी के सर पे धीरे से जो ना हाथ को टैप करता है, और जिंगी से कहता है क्या कर रहे हो, तो जिंगी कहता है डैड देखिए हमने आपके प्लास्टर को कितना अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा देखता है, जहाँ पे वो एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो ना विंग जो ना बेड को थोड़ा सा ऊपर कर देता है, जिसके कारण वांग जी ठीक से बैठ सके करके, जिसके बाद जो ना विंग वांग जी पूरी तरह से देख पाता है, जिसके बाद वांगी जी के भी फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जो है ना हॉस्पिटल उस रूम में जो है ना एक नर्स आती है, क्योंकि वांग जी की बॉडी को क्लीन करना था ना इसलिए, तो वो नर्स आती है और बच्चे को थोड़ा साइड होने के लिए कहती है, और वो जो है ना पानी से जो है ना वांग जी की बॉडी को टच करने जाती है, तभी वांग जी कहते हैं रहने दीजिए मैं कर लूँगा, जहाँ पे वो नर्स कहती है नहीं सर आप नहीं कर सकते, आपको चोट लगी है, आपको पीछे भी चोट लगी है सर बैक में भी, तो जिसके कारण आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो मुझे ही करना होगा, मुझे आपकी टेक केयर करनी होगी, जिसके बाद जो है ना वांग जी कुछ नहीं कहता, जिसके बाद जो है ना
वो लड़की जो थी ना वांग जी के बॉडी को टच कर रही है ना, वांग जी के जो शर्ट की बटन्स को ओपन कर रही थी, जो ऑपरेशन के बाद लाया गया था ना, वो एक सिर्फ जो है ना कोट टाइप था, जो गाउन टाइप था, उसे निकाला जाता है, जिसके बाद जो है ना वो लोग जो वांग जी की बॉडी को टच कर रही थी, तो वांग जी को थोड़ा सा ये वियर्ड सा फील हो रहा था। हाँ, वो किसी को ऐसे खुद को टच करने कभी नहीं देता, इसलिए तो वो विंग देख पा रहा था वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन, जिसके बाद जो है विंग खुद कहते हैं नर्स मैं ये कर लूँगा, जहाँ पे नर्स कहते हैं आप श्योर हो ना, तो विंग कहता है जहाँ पे वांग जी तो विंग को घूर घूर के देख रहा था, वो कुछ नहीं कहता, जहाँ पे हमारा विंग वांग जी की बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे आयरन कहता है मॉम यानी डैड मैं भी करूँगा ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं अभी नहीं करो, अभी अंकल का दर्द होगा ना, तो आयरन कहते हैं डैड मैं भी करना चाहता हूँ ना, ये कहता है मैं भी अपने पापा को ऐसे क्लीन करना चाहता हूँ, जहाँ पे विंग कहता है नहीं तुम दोनों नहीं कर सकते हो, तुम दोनों उसे हर्ट कर दोगे, जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं कर सकते हो, तो विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम, तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं कर सकते ऐसे कहता है, जहाँ पे वो दोनों बच्चों के हाथ में भी जो है छोटे छोटे टॉवल दे देता है हमारे भी, जहाँ पे आयन और जिंगी सेम ऐसे करना स्टार्ट कर देते, और वांग जी को थोड़ा सा गुदगुदी हो रहा था, तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ रही थी, और विंग भी खुश था क्योंकि बच्चे लोग खुश थे और वांग जी भी थोड़ा खुश था, तो विंग को अभी थोड़ा बेहतर फील हो रहा था कुछ नहीं, अभी वो विंग कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। तो ऐसे ही उन लोगों का टाइम स्पेन होता है, जहाँ पे विंग वांग जी की टेक केयर कर रहा था, जहाँ पे लैंगकुरन भी आता है और विंग की जो टेक केयर करने का तरीका देखता है तो लैंगकुरन को भी अच्छा लगता है, जहाँ पे विंग दिन भर बच्चों को वहीं पे रखता है, जहाँ बच्चों के साथ खेलना कूदना उन लोगों का सभी चल रहा था और खाना पीना सब कुछ, जहाँ पे वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था विंग को वहाँ पे देखे, क्योंकि विंग उसके लिए इम्पोर्टेंट इंसान है उसके लाइफ में, उसी के लिए तो वो भी जी रहा है, ऐसे जो है ना वांग जी को महसूस हो रहा था। उसके बाद जो है ना हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बच्चे सो चुके थे, विंग ने जो ना अच्छे से उनको दूसरे बेड पे सुला दिया था, तो जो है ना दोनों बच्चे सो चुके थे और वो वांग जी के पास बैठा हुआ था, और वांग जी भी ऐसे ही था, जहाँ पे बालकनी से जो है ना चाँद की रोशनी आ रही थी और विंग बालकनी में खड़ा था और वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना बालकनी में बहुत ज़्यादा चमक रहा था, जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के पास आके बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो विंग वांग जी की ओर देखते हुए कहता है क्या, तो वांग जी कहते हैं ये सब तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, तो विंग कहता है जानता हूँ, क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट हो रहा है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मेरी फीलिंग्स है, तो मैं अपने फीलिंग्स को हैंडल कर सकता हूँ, तो विंग वांग जी की ओर देखता है और विंग कहता है हाँ देखा मैंने तुम्हें किस तरह से हैंडल कर रहे हो, तो सारी चीज़ों को खुद को हर्ट करके अगर तुम इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ हैंडल करने का, तो वांग जी कहते विंग तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, जहाँ पे हमारा विंग वांग जी की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ संभाल तो लोगे तुम इस तरह से खुद को हर्ट करके, जिंगी को ऐसे ही छोड़ के जाना चाहते हो, अपने अंकल के बारे में नहीं सोचना चाहते हो और ना ही मेरे बारे में सोचना चाहते हो, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग एक स्माइल करते हुए कहता है वांग जी तुम जानते हो मेरी लाइफ में क्या हुआ है, उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि जिसके साथ मैं रिलेशन में था उसने मुझे चीट किया था, जिसके कारण उसकी डेथ हुई, उसने मुझे वादा लिया कि मैं आयन का अच्छे से ख्याल रखूँ, मैं उसका ख्याल रख रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने लाइफ में किसी को आने दूंगा या किसी के लिए अपने दिल को खोलूँगा, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूँ पूरी तरह से, मैं तुम्हें लगता होगा कि मैं खुश हूँ बट हर वक्त मुझे कमी होती है महसूस होती है, बट मैं कभी भी अपने बच्चे को कमी महसूस होने की कमी किसी भी चीज़ की महसूस होने नहीं देता देना चाहता हूँ खुद। तभी जो ना विंग को रुकते हुए हमारा वांग जी कहता है विंग तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये सब मत कहो, मुझे पता है मैं जानता हूँ, बट विंग मैं तुम्हारे हार्ट को हील करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे हार्ट को हील करना है विंग, हाँ मैं जानता हूँ ये मुश्किल है बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल में खुद के लिए जगह बनाना चाहता हूँ, तुम समझ सकते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और दिन ब दिन मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार होने लगा, हाँ मैं तुम्हें दूर से देखता था बट फिर भी
मुझे और भी ज़्यादा गहरा प्यार होने लगा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ, बट ऐसा कभी नहीं हो पाया। अभी मैं समझ ही नहीं पाया इस फीलिंग को। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, तुमसे बात करना पसंद है, तुम्हें तुम्हें महसूस करना पसंद है, बट मी तुमसे दूर रहना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे कैसे भी करके तुम्हारे करीब रहना है, सिर्फ तुम्हारे करीब रहना है। वो चाहे हम दोस्त बन के रहे या लवर्स, बट मुझे तुम्हारे पास रहना है। हाँ मैं जानता हूँ कि हम दोस्त बनेंगे, बट मैं फिर भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और तुम्हें इन सारी चीज़ों से ऑकवर्ड ऑकवर्ड फील हो सकता है। बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इस चीज़ को मैं बदल नहीं सकता। मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें इस सारी चीज़ों के लिए ब्लेम भी नहीं करता, ना ही फोर्स करना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे सेम पसंद करो करके। बट वी मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो वी राम जी की ओर देखता है और वी कहता है, हाँ तो मैंने कब मना किया है तुम्हें मेरे साथ रहने से? मैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे तो। तो हमारा वांग जी उसकी शॉकिंग देख रहा था। तो वे कहता, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रॉब्लम है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें मुझे कोई प्रॉब्लम है तुमसे। मैं तो सिर्फ चाहता था कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारे पास अपनी लाइफ पड़ी हुई थी जहाँ पे तुम शादी कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें थी। बट तुम तो पागल निकले जो मेरे पीछे लग गए, और मेरे लिए तुम अब क्रेजी हो चुके हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं इस ऐसे इंसान को जाने दूंगा अपने हाथ से? तो पांग जी कहते हैं, वी तुम क्या कहना चाहते हो? तो वीन कहते हैं, ऑफकोर्स तुम मेरे साथ रह सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें अपने हार्ट को हील करने का एक मौका दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे हार्ट को हील कर पाओगे? तो लानू जी की फेस पे स्माइल आ जाती है और लानू जी कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे हार्ट को हील करूँगा वीन, सच में। तो विंग कहता है, ठीक है पहले ठीक तो हो जाओ, उसके बाद हम देखेंगे तुम क्या कर पाते हो क्या नहीं। तो वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाहर से लैंड कुरियन भी ये सब सुन रहे थे। लैंड कुरियन भी हमारे वांग जी को विजिट करने के लिए आए थे, तो लैंड कुरियन भी सुनते हैं कि विंग ने कहा है कि हाँ वो उसके हार्ट को हील कर सकता है करके। तो जो है ना, लैंड कुरियन को भी खुशी हो जाती है कि हाँ कुछ नहीं, आखिरकार इतना ज़्यादा मिसअप होने के बाद कुछ तो ठीक हो रहा है। इसके बाद जो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। तो वांग जी के कुछ दिन ही हॉस्पिटल में ऐसे ही बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे विंग उसका ख्याल रखता है, विंग ऑफिस का काम संभालता है, जहाँ पे वो वांग जी के ऑफिस का भी काम संभाल रहा था, लैंड कुरियन भी सब कुछ संभाल रहे थे। बट कुछ चीज़ें जो रहती है ना, विंग वांग जी से पूछ के कर रहा था, और बेबी को, दोनों बेबी को विंग स्कूल भी छोड़ के छोड़ने जाता था, और नैनी उसे लेके आती थी, और उसके बाद जो ना विंग सारी चीज़ें संभाल रहा था। जहाँ पे वांग जी का जो प्लास्टर था ना, आज 15 दिन के बाद खुल रहा था, और प्लास्टर खुलने के बाद जो है ना वांग जी को चलने के लिए मदद की जाती है, जहाँ पे विंग वांग जी का सहारा बनता है और वांग जी ठीक से थोड़ा चल पाता है। जहाँ पे वांग जी को जो एक स्टिक दी जाती है जिससे वांग जी चल सके बेहतर तरीके से, जो अभी थोड़ा ना उसे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था इसके कारण, और वांग जी को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। जहाँ पे विंग तो वांग जी को जो ना अपने घर लेके आ जाता है, जहाँ पे लैंड कुरियन से विंग ने पूछ लिया था कि वो वांग जी को लेके जा सकता है या नहीं, तो लैंड कुरियन ने कहा था कि लेके जा सकता है करके। तो वांग जी अभी जो है ना विंग के घर में था, जहाँ पे विंग ने जो है ना वांग जी के लिए एक जो रूम था ना वो प्रिपेयर कर दिया था, यानी विंग के घर में सिर्फ 3 रूम थे। तो इसके कारण जो है ना विंग ने जो ना वांग जी के लिए जो गेस्ट रूम था ना उसे प्रिपेयर कर दिया था। और वांग जी जो है ना, वांग जी जब वो घर के अंदर एंटर करता है ना, तो वो देखता है कि जो है ना वांग जी और विंग की जो फोटो थी, विंग ने जो अचानक से खींच ली थी ना, वो फोटो वहाँ पे लगी है करके, और एक नई फोटो थी वहाँ पे जहाँ पे वांग जी के पैरों में प्लास्टर था, और वांग जी जब सो रहा था ना तो वो बच्चे लोग और विंग वहाँ पे, विंग ने जो सेल्फी टाइप ली थी, और वांग जी वो देखता है ना तो वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वांग जी कहते ये कब ली? तो विंग कहता तुम सो रहे थे, तुम नहीं देख पा रहे हो क्या? तो वांग जी एक स्माइल करता है, और वांग जी देखता है कि विंग के घर में अब लान वांग जी की भी कुछ फोटोज है करके, जो वांग जी थोड़ा वियर्ड पोजीशन में है, बट हाँ ठीक है। और वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है, जहाँ पे भी वांग जी को जो है ना रूम में ट्रांसफर करता है ना, वांग जी को बताता है कि तुम यहाँ पे रहोगे करके। तो वांग जी मान जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जहाँ पे वांग जी के घर में, हमारे विंग के घर में कोई मेट्स नहीं थी, मैं बता देती थी, 2 ही मेट्स थी। जहाँ पे मेट्स कहे तो जो ना एक खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए आती थी, और एक जो थी ना आयुन का ख्याल रखने के लिए आती थी। तो जो है ना आज खाना बनाने वाली मेट्स भी नहीं आई थी, और आयन को ख्याल रखने वाली भी नहीं आई थी। तो विंग बच्चों को कहानी सुनाता है, वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ था, और वांग जी भी स्टिक के सहारे चल रहा है कुछ टाइम तक, जो वो ऐसे ही चलेगा, और विंग भी उसकी मदद करता है। जहाँ पे हमारा विंग वांग जी को हर चीज़ में मदद करता है, और विंग और वांग जी जो दोनों एक साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, एक दूसरे को समझाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जहाँ पे वांग जी की जो हेल्थ में प्रोग्रेस हो रही थी, वांग जी अभी ठीक पहले जैसा था ना वैसे होते जा रहा था, उसके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल जा चुके थे, और जो वांग जी जो पहले थोड़ा सा हेल्दी था ना,
तो जो है ना कुछ टेंशन के कारण वो अभी थोड़ा पतला हो चुका था, तो अभी वो पहले की जैसा हो चुका था, उसके बात करने का तरीका भी बदल चुका था, वो भी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, अपने अंकल के साथ भी बात कर रहा था, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी पूरी तरह से, और विंग भी वांगजी के साथ अब कंफर्टेबल था।